केएल राहुल बने आईपीएल के नंबर वन कप्तान, अपनी धमाकेदार पारी से डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डीन जोंस नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिलने पर दिल्ली कैपिटल्स के कोच का बयान। ताजा तरीन खेल की खबरों के साथ स्पोर्ट्स स्टोरी की जानिब से नाजरीन को शफी का सलाम पहुंचे। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नाजरीन आपसे दरख्वास्त है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हम पहुंचे सबसे जल्द। केएल राहुल बने आईपीएल के नंबर वन कप्तान, अपनी धमाकेदार पारी से डेविड वार्नर का रिकॉर्ड तोड़ा। किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान लोकेश राहुल ने आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ अपने आईपीएल कैरियर की यादगार पारी खेली। अपनी धमाकेदार पारी के दम पर उन्होंने अपनी टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया, साथ ही साथ आईपीएल में कप्तान के तौर पर सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए। इससे पहले आईपीएल में बतौर कप्तान सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज डेविड वार्नर थे, जिन्होंने 2017 में 126 रन की पारी खेली थी। ऑस्ट्रेलिया के साबिक क्रिकेटर डीन जोंस नहीं रहे, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के साबिक क्रिकेटर डीन जोंस का 59 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। मुंबई में हार्ट अटैक की वजह से उनका इंतकाल हुआ। डीन जोंस कई टीमों के कोच भी रह चुके हैं, साथ ही वो कमेंटेटर भी थे। डीन जोंस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट और वनडे क्रिकेट खेला था। अजिंक्य रहाणे को मौका नहीं मिलने पर दिल्ली कैपिटल्स के कोच का बयान। दिल्ली कैपिटल्स के सपोर्टिंग कोच मोहम्मद कैफ ने जुमेरात के रोज कहा कि टीम मैनेजमेंट लाइनअप से छेड़छाड़ करने से पहले सारे नए खिलाड़ियों को कुछ मौका देना चाहता है। कैफ का ये बयान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 25 सितंबर को होने वाले दिल्ली कैपिटल्स के दूसरे मुकाबले से पहले आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि टीम को तजुर्बेकार बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे को मौका देना चाहिए। दिल्ली ने पहले मैच में पृथ्वी शॉ और शिखर धवन से ओपनिंग कराई थी, लेकिन ये बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे। टीम के पास अजिंक्य रहाणे भी हैं, अब देखना है कि उनको मौका कब दिया जाता है। अब चलते हैं फुटबॉल के मैदान की तरफ। बार्सिलोना से ट्रांसफर पर एटलेटिको मैड्रिड पहुंचे सुआरेज। बार्सिलोना ने बुध के रोज कहा कि उसने एटलेटिको मैड्रिड से यूरोग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज को ट्रांसफर करने का मुआहदा किया है, जो 60 लाख यूरो तकरीबन 70 लाख डॉलर का है। सुआरेज ने बार्सिलोना के साथ 6 कामयाब सीजन खेले, जिसमें उन्होंने 13 खिताब जीते हैं। वो बार्सिलोना के सबसे ज़्यादा गोल स्कोर करने वाले तीसरे खिलाड़ी हैं, उन्होंने 198 गोल दागे हैं। ज़लाटन इब्राहिमोविक कोरोना पॉजिटिव। इटालियन क्लब एसी मिलान ने बुध के रोज़ ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें कहा गया है कि स्वीडन के स्ट्राइकर ज़लाटन इब्राहिमोविक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें इस वक्त क्वारंटाइन में रखा गया है, बाकी दूसरे खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ कोरोना से महफूज हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, अब दीजिए हमें इजाज़त और अपना ख्याल रखिए।